प्रथम तहलका न्यूज। और भिवानी से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जी, भिवानी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि भिवानी में हजारों किसान मजदूरों ने जोरदार प्रदर्शन किया और उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन करके जो है प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो भिवानी से आ रही है, जहाँ हजारों किसान मजदूरों ने जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि भारत बचाओ दिवस के मौके पर किसान मजदूरों ने ये जोरदार प्रदर्शन किया और इस दौरान उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो है किसानों ने कृषि कानून को वापस लेने की मांग की है, तो वहीं चारों लेबर कोड बिजली बिल 2021 को भी रद्द करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि MSP का कानून लागू करने की भी PM मोदी से मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो भिवानी से आ रही है, जहां हजारों किसान मजदूरों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। भारत बचाओ दिवस के मौके पर ये जोरदार प्रदर्शन किया गया। वहीं अब आपको सुनाते हैं कि इस दौरान जिला सचिव सीटू अनिल कुमार का क्या कुछ कहना था। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी खट्टर मुर्दाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी खट्टर मुर्दाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये आज सिट्टू किसान सभा और खेत मजदूर यूनियन के आह्वान पर पूरे देश में भारत बचाओ दिवस मनाया जा रहा है। आज भिवानी में CITU किसान सभा के अलावा जो ट्रेड यूनियन हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल थी। आज हजारों किसान मजदूर इस मांग को लेकर के आज यहाँ इकट्ठे हुए थे, हुड्डा पार्क में इकट्ठा हुए थे और यहाँ तक हम प्रदर्शन लेके आए हैं और उपायुक्त के माध्यम से हमने प्रधानमंत्री को और मंत्रियों को ज्ञापन भेजे। उसमें मांग ज्ञापन के अंदर हमने मुख्य रूप से ये मांग की है कि सबसे पहले जो 3 कृषि कानून और 4 लेबर कोड रद्द करो। हमारी ये मांग है कि जो बिजली बिल 2021 उसको रद्द करो। हमारी ये मांग है आज के इस ज्ञापन के माध्यम से सरकारी महकमों का निजीकरण वो बंद होना चाहिए और कच्चे कर्मचारियों जिसमें आंगनबाड़ी, आशा, मिड डे मील, तमाम जो कच्चे कर्मचारी हैं, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, चौकीदार हैं, कच्चे कर्मचारी उनको पक्का करो। 24,000 रुपये न्यूनतम वेतन लागू करो और मनरेगा में 200 दिन काम, कम से कम 600 रुपये दिहाड़ी लागू करो। इन मुद्दों को लेकर के हमने आज ज्ञापन भी दिया है और सरकार